गर्मा गर्म हो मेरी तरह बातें ना कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए। और स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा सरप्राइज भी रहने दो। भाई इसको चेक करके देखते हैं कि कैसा है मामला। हाय गाइस, मैं हूं उदित बत्रा और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रेसिपी। अब रेसिपी तो कम है, इमोशन थोड़ा ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, मेरी, हम सबकी मैगी। तो हर किसी का बेसिकली अपना एक फंडा होता है मैगी को बनाने का, तो आज मैं अपना फंडा आपके साथ शेयर करूँगा। ग्रेवी वाली मैगी, चीज़ वाली मैगी, अंडे वाली मैगी, सीख कबाब वाली मैगी, और पता नहीं किस किस तरीके की मैगी है, टॉम अंकल की दुआ से या जहाँ की भी आपको पसंद है। तो सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, इसके बिना इंसान कहीं नहीं जा सकता। और मैं तो कहूँगा किचन में भी आप काम शुरू करने से पहले या तो अपने हाथों को ढंग से धो लो, ढंग से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ढंग से, जैसे वो लाइफबॉय की ऐड में दिखाते हैं, या फिर सैनिटाइजर यूज़ कर लो, क्योंकि अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीजिए, ये तैयार है हमारी सामग्री हमारी स्पेशल मैगी को बनाने के लिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं, और स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा सरप्राइज भी रहने दो। ये है हमारा एक्स्ट्रा मैगी का मसाला जो 5 रुपए का पैकेट मिलता है। मैंने 2 पैकेट इसके अंदर डाले हैं, बट 2 पैक्स मैगी को बनाने के लिए 1 ही पैकेट आपको लगे। ये हमने चढ़ा दिया अपना बर्तन गैस पे, और ये डाल रहे हैं हम ऊपर से इसमें पानी। अब ये आपको इसमें अपनी मैगी के हिसाब से 1.5 कप पानी वाला हिसाब किताब नहीं रखना है, थोड़ा सा आप उससे ऊपर जा सकते हो। मैं तो कहूँगा 2 मैगी के साथ आप 4 कप से भी ऊपर पानी डाल दो। क्यों 4 कप से ऊपर पानी, आप देखते जाओ, मैं आपको बताता हूँ और रीज़न भी बताऊँगा कि इतना बड़ा बर्तन सिर्फ 2 मैगी के लिए क्यों लिया। लो जी, मैगी हमारी गई है खुल, ये उठा करके हमने डाल देना है इसके अंदर। इसको जो हमारा मसाला है हम उसको कर देंगे साइड। आई एम श्योर आप भी यही करते होगे, पहले थोड़ा सा मैगी को पकाते होगे, थोड़ा सा उसको खुलने देते होगे, और उसके बाद आप जो है अपनी मसाले की पोटली उसके अंदर डालते होगे। तो ये हमारी दूसरी मैगी भी इसके अंदर जा चुकी है, ये बचा बुचा चूरा भी इसके अंदर जा रहा है, और अब जो है हम इंतज़ार करेंगे इस मैगी के बॉयल होने का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिनट अभी मेरे को मैगी को इसके अंदर रखे हुए हुए हैं, पानी पूरा का पूरा जो है वो बॉयल हो चुका है, और मैगी में से थोड़ा सा ये जो झाग वगैरह होती है ना जो अंदर की, वो निकलनी शुरू हो चुकी है। पर अभी वक्त नहीं आया है इसमें मसाला डालने का। तो मैंने क्यों बड़ा बर्तन लिया, वो इसलिए कि हम लोग जब भी मैगी बनाते हैं हम उसको बॉयल तो करते हैं और ऊपर से उसमें मसाले वसाले डाल देते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना मैगी को हाफ बॉयल सा करके उसके पानी को निकाल देते हैं। मतलब अब मान लो 60% आपने बॉयल कर लिया मैगी को, पानी को स्ट्रेन आउट कर दो, उससे क्या होगा ये जो झाग आ गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या है, बट इसको देख के मुझे लगा कि इसे रिमूव कर देना चाहिए, और इसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद नया पानी लेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है, 2-3 मिनट के लिए अलग से पानी को बॉयल करना है, और ये मैगी को मसालों के साथ उसमें डाल देना है। बाकी सब तो वही है जो आप करते हो। तो गैस कर दी हमने बंद लगभग 3 मिनट के बाद, और अब हम कर लेते हैं इस मैगी को स्ट्रेन आउट। एक बोल ले लिया है मैंने, और ये सारी जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगा, तो हमारा जो भी पानी होगा, गंदगी है नहीं है, जो भी है, जो भी मैगी का चूरे का पानी है, जो भी है, उसको हमने निकाल दिया है। आप देख सकते हो कि मैगी काफ़ी हद तक जो है पक चुकी है, वैसे भी इंस्टेंट नूडल है, 60-70% के करीब ये पक चुकी है। तो अब का जो हमारा बाकी का प्रोसीजर मैगी को बनाने का होगा, वो बहुत ही लो से मीडियम फ्लेम के बीच में होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो जी, ऐसा पानी इसका निकल करके आया है। ये बर्तन मैंने बदल लिया है, और इसमें मैं डाल रहा हूँ गैस ऑन करके लगभग 3 कप पानी, जो ओरिजिनली आपका 2 मैगी में लगना चाहिए, ना कम और ना ही इसका ज़्यादा, ठीक है ना। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि 1 मैगी बनाओ तो कम पड़ जाती है, 2 बनाओ तो ज़्यादा। तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आधा पैकेट छोड़ने का मन भी नहीं करता,
और मसाला तो वो जाके रहने का बिल्कुल भी नहीं करता है। ये जो हमारा पानी हमने दोबारा डाला है उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए उबलने देते हैं, जैसे कि इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। जैसे बबल आने शुरू हो गए हैं थोड़ा सा पानी उबल जाएगा तो इसमें अपना मसाला और हमारा नमक, लाल मिर्च, हरी और जो हल्दी है उसको डालना शुरू करेंगे और डालेंगे और उसके बाद हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट और फिर डिश आपके सामने। तो ये है जी हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम डालने वाले हैं इसके अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने इस कटोरी के अंदर 2 5 रुपए वाले एक्स्ट्रा मसाला पैकेट डाले हैं। मैंने इसमें से आधा हिस्सा ही डालना है इसके अंदर में, इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बैलेंस ख़राब हो जाएगा हमारा। ठीक है, लगभग लगभग मैंने इसमें आधा हिस्सा डाल दिया है। ठीक है, और ये हमारी ओरिजिनल वाला मैगी का मसाला है। थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों मसालों में होता है, आई एम श्योर आपको नोटिस हो गया होगा। और ये तो हम डालेंगे डालेंगे, वो तो हमने सिर्फ एम ही ऊपर से डाल दिया है क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादा स्वाद किसे नहीं चाहिए। ये हो गया एक, और ये आ गया जी दूसरा। गैस को लो पे कर देंगे ताकि पानी ज़्यादा भी खोलने ना लगे। ये हो गया जी हमारा मसाले का काम छपन। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पैचुला सा लेकर के मैं इसको घुमा देता हूँ। क्या होता है मसाले में कभी कभी लंप्स आ जाते हैं। अपना अगला स्टेप अपन शुरू करते हैं। ये हमारे जो नूडल्स हैं जो हम ऑलरेडी हाफ बॉईल कर चुके हैं इसको इसके अंदर जो है हम पोर इन कर देंगे। और अब ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि नूडल्स थोड़े से चिपक गए हैं, तो आपने बहुत प्यार से उनके बीच में जो है अपने बर्तन को चलाना है क्योंकि टूटे ना नूडल्स। या टूटी फूटी मैगी कोई अच्छी लगती है यार, आप बताओ मेरे को बताओ। अब इसको ढंग से हिलाना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि आपकी मैगी को फ्लेवर से मिलने में, मसाले से मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, वो आप करो और देख ही जाओ। बस हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट भी तैयार ही है। अब इस पॉइंट पे इसको थोड़ा देर हिला लेने के बाद जो है आप इसको चख लेना और अपने हिसाब से जो है इसमें थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च आप इसमें डाल लेना। ठीक है, हल्दी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इसमें, लाल मिर्च की नहीं थी। और नमक भी हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा, हल्का सा चुटकी भर की ज़रूरत मुझे लगी। आपको लगे तो यार डाल लेना और नहीं लगे तो अवॉइड आप कर सकते हो। तो हाँ जी, ये हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट मिल्क फूड का रिच देसी घी दानेदार वाला। बाय द वे 1 लीटर में 898 ग्राम होता है, ये आपको पता था? मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो बेसिकली देसी घी का पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ और हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं डाला। अगर हम मैगी को कुक करते के साथ में अपना देसी घी डाल देते तो उसकी अरोमा कहीं ना कहीं चली जाती। अब मैगी आपकी कुक हो गई है, बटर डालने की जगह फालतू का नमक डालने की जगह फालतू फैट डालने की जगह देसी, हालांकि देसी घी में बहुत सारा फैट है, नहीं कह रहा हूँ नहीं है, बट आई प्रेफर देसी घी। एक बार आप देसी घी का छौंका मार के देखो तो सही यार मैगी में। तो ये है जी 1.5 से 2 चम्मच देसी घी है वैसे ये, पर इतने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। लगभग लगभग 1 चम्मच में हमारा काम बन जाएगा। देसी घी डाल करके इसको अच्छे से अपनी मैगी में चला देना और फिर देखना खुशबू का कमाल। चलो जी, हमारी मैगी हो गई है तैयार और हम चलते हैं इसे प्लेट करने की तरफ। आप तैयार हो देखने के लिए क्या कमाल तुम्हारे भाई ने बना दिया है आज। तो लो जी, तैयार हो गई है हमारी स्पेशल देसी घी वाली मैगी। और अगर आप चाहो ना तो थोड़ा सा ऊपर से देसी घी और डाल सकते हो, चीज़ का स्लाइस डाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। बस ध्यान रखना गर्मा गर्म हो, मेरी तरह बातें ना कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए, और उसको खाओ इंजॉय करो। मैं इसमें और नहीं डालने वाला हूँ। रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। भाई इसको चेक करके देखते हैं कि कैसा है मामला।
मज़ेदार है, आप भी खा के देखना और ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। फिर से बोल रहा हूँ, मुझे पता है पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसे लगी। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल तो आपको वीडियो में नीचे मिल जाएंगे, ज़रूर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करो और डे टू डे हम क्या बनाते हैं वो भी देखते रहो।